हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज हम एक कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं। टॉपिक ये है कि जिस भी पर्सन के बारे में आप सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो पर्सन आपके बारे में क्या फीलिंग्स रखते हैं, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं आपके लिए और इस रिश्ते के लिए, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग, लेट्स लाइट द कैंडल फर्स्ट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया है कैंडल को लाइट। चलिए देखते हैं कि आप जिन जो भी आपके दिमाग पे है, जो भी इंसान है, वो क्या सोच रहा है आपके बारे में। ये कोई भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन हाँ, इन आपके और इनके बीच में कोई रिश्ता ज़रूर होना चाहिए। ऐसा नहीं किसी भी अनजान पर्सन के बारे में सोच रहे हो। ये ऐसा कोई पर्सन होना चाहिए जिनसे आपने डील किया हुआ है, जिन जो आपको जानते हैं, जिनको आप जानते हो, जिनसे कोई रिश्ता रह चुका है या रिश्ता है। ये उनकी फीलिंग्स की बात कर रहे हम, ठीक है। सबसे पहले तो ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिनके बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हो ना, ये इंसान बहुत सारी सोच, बहुत सारे थॉट्स में जैसे फंसा हुआ दिख रहा है मुझे। ये कुछ क्लैरिटी से सोच नहीं पा रहा है, इसके मन में कोई क्लैरिटी नहीं है। सबसे ज्यादा इमोशन जो मुझे इसके अंदर दिख रहा है ना, वो डर का है। ओके, अब ये डर हो सकता है, ज्यादातर तो मुझे ऐसा लगता है ये जो पर्सन है, ये बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है। ओके, इसको ऐसा लग रहा है कि ये ओपनली ना तो आपसे बात कर पा रहा है, ना चीज़ों को कुछ ठीक कर पा रहा है, मतलब ये बहुत स्टक फील कर रहा है। ओके, अगर ये कोई एक्शन नहीं भी ले रहा है ना आपकी तरफ, तो वो उस डर के वजह से है। वो इमोशन डर का उसके अंदर बहुत स्ट्रांग दिख रहा है मुझे। अब देखिए, हर एक के लिए ये क्यों है डर, ये रीज़न अलग अलग होगा, लेकिन डर में जी रहे हैं और बहुत बंधा हुआ सा, बहुत स्टक फील कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ। ओके, मेंटली भी और फिजिकली भी, जिसकी वजह से कोई भी एक्शन नहीं ले पा रहे आपकी तरफ। कहीं ना कहीं इन्होंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है। ओके, अगर आपका सेपरेशन चल रहा है, तो इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि शायद यही होना था, शायद यही हमारा नसीब था, शायद हमारे नसीब में यही होना लिखा था। ओके, तो हाँ, ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस दिख रही है मुझे इनके अंदर, कि अगर हम लोग अभी दूर है, मे बी हमारे नसीब में यही था, और हम आगे जाके भी अगर पास आएंगे तो मे बी हमारे नसीब में होगा। सो ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ मैं। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भले ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही है कि चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन इनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, ये बस आगे बढ़ रहे हैं। मतलब डर डेफिनेटली है इनके अंदर, बहुत सैडनेस है, बहुत बुरा लग रहा है इनको, लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं कि ठीक है, चलो होता है, होती है, सिचुएशंस ऐसी आती है, अब क्या कर सकते हैं, रुक तो नहीं सकते, तो ये पर्सन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, रुके हुए नहीं दिख रहे मुझे इस, मतलब ये बढ़ने की पूरी पूरी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, अपने आप को हारने नहीं दे रहे। ठीक है, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं डीप इनसाइड, दिल के किसी कोने में अब भी ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिश्ते को एक मौका मिलेगा, कुछ अच्छा फ्यूचर में होगा, क्योंकि ये नसीब पे बहुत विश्वास करते हैं। इनको लगता है कि नसीब ने अगर आप दोनों को मिलाया है, तो नसीब आगे जाके आप दोनों को एक भी कर सकता है। सो बहुत ज़्यादा नसीब पे डिपेंडेंट है ये पर्सन। ठीक है, बट होप नहीं खोई है बिल्कुल भी इस पर्सन ने। हाँ देखिए, मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन बिल्कुल भी खुश नहीं, अगर आप दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, बात बंद हो गई है, या कोई थर्ड पर्सन आ गया है, कुछ भी एक्स वाई जेड, कुछ भी रीज़न हो सकता है, आप दोनों इस वक्त गुड टर्म्स पे नहीं हो, बात नहीं हो रही है, लड़ाई चल रही है, और इस पर्सन को बहुत हारा हुआ भी महसूस हो रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि यार मैंने क्या पाया, उसको तो मैंने खो दिया, तो मैं क्या पाया हूँ इस लड़ाई से, कुछ तो नहीं। तो बहुत ज़्यादा हारे हुए महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है इस पर्सन को, बहुत हारे थके से एग्जॉस्टेड फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि वो वहाँ पे मज़े मार रहे हैं, रंगरलियाँ मना रहे हैं, बिल्कुल छर्रे उड़ा रहे, ऐसा नहीं है। अभी भी देखिए, मैं देख रही हूँ इनको, ये आपके यादों में जी रहे हैं। इतनी मेमोरीज तो आपने उनको दी है कि वो आपके यादों के सहारे जी सके, एटलीस्ट एक एक दिन
जी सके, आगे बढ़ सके अपनी लाइफ में। यस, इस पर्सन के पास आपकी बहुत सी मेमोरीज है, बहुत क्लियरली मैं देख रही हूँ, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार चाहते हैं आपसे, ओके। वो तो उनकी तो इच्छा यही है कि हम दोनों हंसी खुशी एक हो जाए, हम दोनों के बीच में जो खोया हुआ प्यार है वो हमें मिल जाए। दे वॉन्ट लव इन दिस कनेक्शन, ओके। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, इस पर्सन को बहुत ही सैक्रिफाइस वाली फीलिंग आ रही है कि मैंने बहुत कुछ बलिदान कर दिया, मैंने बहुत कुछ छोड़ दिया, या मैं छोड़ रहा हूँ बहुत कुछ। सैक्रिफाइस वाली फीलिंग बहुत ज़्यादा है, इमोशन वो वाला ज़्यादा है कि मैंने सैक्रिफाइसेस किए या मैं सैक्रिफाइस कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन ने इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया हो, क्योंकि उनको नहीं नज़र आ रहा था कोई और रास्ता, बजाय कि वो इस रिश्ते को गिव अप कर दे, सैक्रिफाइस कर दे, ठीक है। क्योंकि मे बी उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसा करने से जो चीज़ मेरे नसीब में है वो मुझे जब मिलनी है तो मिलेगी, मुझे उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चीज़ें मैं आपको समझाती हूँ ना, आपके पर्सन को वो पहले से ही पता है, वो उस चीज़ को अप्लाई भी कर रहे हैं। उनको पता है कि नसीब में अगर है कोई चीज़ तो वो मिलेगी। यूनिवर्स अगर चाहता है कि हम एक हो तो हम एक होंगे, यूनिवर्स अगर नहीं चाहता हम एक हो तो नहीं होंगे। सो दे आर एक्सेप्टिंग चीज़ों को, ठीक है। आप दोनों भले ही फिजिकली अलग हो, बात नहीं करते हो, या थोड़ी बहुत बात होती है, पहले जैसी बात नहीं रही, लेकिन स्पिरिचुअल लेवल पे आप में से काफ़ी लोग स्पिरिचुअली कनेक्टेड हो, ठीक है। तो डोंट वरी, आप दोनों भले ही फिजिकली अभी दिख रहा होगा आपको कि वो आपसे बात नहीं कर रहे, दूर है, झगड़ा चल रहा है, प्रॉब्लम चल रहा है, लेकिन ऑन स्पिरिचुअल लेवल आप दोनों एक हो, ठीक है, यूनाइटेड हो। और अगर आप हिम्मत नहीं हारोगे, क्योंकि ये पर्सन तो मतलब इनको तो लगता है कि आगे जाके आपका रियूनियन होने ही वाला है, ठीक है। हम दोनों के बीच जो भी बिगड़ा है वो ठीक होगा, हमारे बीच प्यार है, दे नो दैट के प्यार हम दोनों के बीच में अभी भी है, हम दोनों एक दूसरे से प्यार तो करते हैं फॉर श्योर। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है आपने ना किस मतलब इस रिश्ते में सब कुछ ठीक हो जाए, बेहतर हो जाए, इसके लिए बहुत दुआएं की है, बहुत पेशेंस रखा है, बहुत हिम्मत रखी है, होप रखी है, फेथ रखी है, उसका ना आपको बहुत जल्दी रिवॉर्ड मिलने वाला है। वो कहते हैं ना कि आपने किसी पेड़ पौधे को अगर पानी दिया, उसको बड़ा किया, वो जब पेड़ बन गया, उस पर फल आ गए, फूल आ गए, तो फल फूल खाने का समय अब आपका आ चुका है, ओके। अब वो वक्त आ चुका है जहाँ पे आपके इंतज़ार का आपको फल मिलेगा, आपके प्यार का आपको फल मिलेगा, ठीक है। रीयूनियन बहुत जल्द काफ़ी लोगों का होने वाला है, कुछ लोगों का तो ऑलरेडी हो चुका है, मैं बहुत क्लियरली बता दूँ। कमेंट्स में मुझे बताना कि अगर आपका रीयूनियन हो गया है ना, कमेंट्स में मुझे बताना, क्योंकि मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे कुछ लोग बहुत खुश है अपने पार्टनर के साथ, एंजॉय कर रहे हैं, ओके। देखिए, आपके पर्सन बहुत ट्राई करते हैं कि वो अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट करे, आपके बारे में ना सोचे, या अपने मन को बहलाए, फुसलाए, आपसे दूर रखे अपने आप को, लेकिन हो नहीं पाता। यू आर समथिंग जो इस पर्सन को, जैसे होता है ना कि हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उससे अपने आप को कैसे दूर रखें, रेजिस्ट कैसे करें, वो मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली होता है दिख रहा है कि आपके पर्सन बहुत स्ट्रांगली ट्राई कर रहे हैं, कि नहीं, सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, ये नहीं करना है, कोई एक्शन नहीं लेना है, लेकिन हो क्या रहा है, उल्टा ही हो रहा है। ये कहीं ना कहीं ये ऐसी बात हो गई ना कि आप खुद को धोखा दे रहे हो, ये पर्सन खुद से ही धोखाधड़ी कर रहे हैं, क्योंकि इनको भी आपके लिए बहुत प्यार है, बहुत फीलिंग्स है, बहुत स्ट्रांग इमोशंस हैं इनके आपको लेकर। और जितना ही आपसे दूर रह रहे हैं ना, उतना उनको आपके अपने अंदर की खोट नज़र आ रही है कि तुमने देखो क्या किया सामने वाले के साथ, तुम कितने बुरे हो, तुमने आज तक क्या गलत किया, अपनी गलतियाँ खुद को गिनवा रहे हैं एक एक। बहुत जल्द ये पर्सन अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे आपसे, क्योंकि अब ना उनके लिए मुश्किल हो रहा है अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर रोक के रखना, ओके। इट्स बिकमिंग टू हार्ड फॉर दिस पर्सन। लेकिन एक है कि ये इंसान गिव अप नहीं करना चाहता, ये इंसान डट के रहना चाहता। मतलब देखो, आपको फिजिकली ऐसा लग रहा होगा अभी देखकर कि ऑलरेडी गिव अप तो ये इंसान कर चुका है, और क्या गिव अप करना बाकी है, लेकिन मन से, दिल से इन्होंने गिव अप नहीं किया है, ओके। जब समय आएगा ना, ये आपके लिए सही जगह पे, समय सही समय पे स्टैंड लेना भी चाहते और लेंगे भी, ठीक है।
सो या मुझे नहीं लगता इस पर्सन ने अभी भी मेंटली गिव अप किया है, भले ही आपको भले फिजिकली ये मूव ऑन कर रहे हैं। मतलब देखो, अभी आपके लिए रोते नहीं रहेंगे जब तक सिचुएशंस ठीक नहीं हो जाती, जब तक क्लैरिटी नहीं आ जाती है, वो आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। सो या लेकिन ढीठ पना मुझे इनके अंदर का अभी भी दिख रहा है। अगर ये पर्सन ढीठ है तो वो ढीठनेस वाली एनर्जी मुझे अभी भी फील हो रही है। ओके, अपनी बात मनवाना, अपनी बात को सही समझना। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर रहे हैं। मे बी ये पैसा भी कमाना चाहती है या करियर पे भी फोकस है। बहुत सी चॉइसेस, बहुत सी चीज़ें चल रही है। नॉट, मैं थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लाइक अंडरस्टैंड दिस, मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ। इनके पास कुछ और भी काम है, कुछ और भी प्रायोरिटीज़ है जिस पे इनका अभी ध्यान है, ठीक है। अभी ये हो सकता है फैमिली, अभी ये हो सकता है करियर, ये हो सकता है कुछ बहुत बड़े डिसीजंस लाइफ को लेकर। तो वो अपनी लाइफ को ना, उनको ऐसा लग रहा है कि अभी भी मेरी लाइफ स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियल या करियर वाइज या पर्सनल लाइफ भी उनकी स्टेबल नहीं लग रही है उनको, तो वो पहले उस चीज़ पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि देखो, इस पर्सन को पता है कि आप दोनों का रिश्ता इतना आसान नहीं है और आगे भी नहीं होगा। देखो, कोई भी रिश्ता आसान नहीं होता है, आप कैसे उससे बाहर निकलते हो उस पर डिपेंड करता है कि आप नतीजे तक पहुंचते हो या नहीं, ओके। बट हाँ, ये पर्सन को पता है कि आप दोनों का रिश्ता आसान नहीं होगा, ओके। पेशेंस बहुत रखनी पड़ेगी, हिम्मत रखनी पड़ेगी, चीज़ों को पहले प्लान करना पड़ेगा कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। और ये पर्सन, देखो आप बहुत इमोशनल हो और आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो ना, ये बहुत प्रैक्टिकल है, ये हर चीज़ के बारे में बहुत सोचते हैं, ये दूर की नज़र रखते हैं, दूर की सोच रखते हैं, तो उस हिसाब से वो प्लानिंग्स भी करते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन, लेकिन लेकिन हाँ, ढीठ ढीठ स्वभाव तो है इस इंसान का, जिसकी वजह से, मतलब ये बहुत चालाक है, बहुत चंट है। आप बहुत इमोशनल हो, आप दिल से डिसीजंस लेते हो, आप दिल से सोचते हो, लेकिन ये पर्सन बहुत चालाक है। ये जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे, यू नो, आगे का सोचेंगे, आगे क्या होगा, पीछे क्या हुआ। अलर्ट बहुत है, अवेयर बहुत है ये पर्सन, ओके। ये आपकी तरफ लेकिन अट्रैक्ट बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं इस वक्त, ठीक है। चलो, इसको रख देते हैं साइड में और हम कार्ड रीडिंग करते हैं। चलिए, लेट्स सी के आपके जो पार्टनर है वो इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। लेट्स सी व्हाट आर दे फीलिंग, व्हाट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। चलिए, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और हमें बताइए हमारे व्यूअर के जो पार्टनर है वो क्या महसूस कर रहे हैं इस वक्त। प्लीज लेट मी ड्रिंक वाटर, बहुत ही ज्यादा गला सूख गया है। ओके, चलो लेट्स सी डिवाइन, हमें प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए। हमारे व्यूअर के पार्टनर क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। अपॉलॉजी, देखिए ये इंसान ना, मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि देखो, इनको ये चीज़ पता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो रही है, प्रॉब्लम्स बहुत है, दिक्कतें बहुत सारी हैं, मतलब ऑब्स्टैकल्स। मैंने बोला ना, ये पर्सन को पता है कि रिश्ते में बहुत कठिनाइयाँ हैं, ओके, और आगे भी बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लाइक सीरियसली जेन्युइनली आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। और अगर इन्होंने ही ऑब्स्टैकल्स क्रिएट किए हैं, ये खुद है जड़ अगर इसका, तो ये सच में ही आपसे मतलब माफ़ी मांगना चाहते थे। वॉन्ट टू से सॉरी टू यू, क्योंकि चीज़ें डिफिकल्ट करी है इस पर्सन ने। ओके, लेट्स सी मोर। रोमांटिक फीलिंग्स, देखिए मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है ना, ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपनी फीलिंग्स को समझ रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनकी इमोशंस आपके लिए क्या है, आप कितना प्यार फील करते हो, वो कितना प्यार फील करते हैं आपके लिए, और उनकी फीलिंग्स
किस लेवल की है, यू नो, क्या वो सिर्फ आपको दोस्त मानते हैं या क्या उससे ज़्यादा है, क्या वो ज़्यादा सीरियस है आपके लिए. सो दे आर एक्नॉलेजिंग देयर फीलिंग्स नाउ. ठीक है, और देखते हैं डिवाइन हमें प्लीज बताए. मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अगर इनके लाइफ में कोई और रिश्ता था जो टॉक्सिक था, जो कार्मिक था, तो उनको उसकी असलियत समझ आ रही है. कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घट रही है ना उनके लाइफ में, उस अगर ये किसी और रिश्ते में थे तो इनको समझ में आ चुका है कि वो रिश्ता टॉक्सिक है. उन जिनके भी साथ वो अभी है, वो रिश्ता टॉक्सिक है, वो रिलेशनशिप कार्मिक है. ठीक है, देखो लाइट बंद हो गई एकदम से मैं बोल रही थी. तो यस, कुछ तो ऐसी ही एक दो तीन इवेंट्स ऐसे हुए हैं जिसकी वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि हाँ यार, वो रिश्ता, यू नो, जिनमें भी वो है वो टॉक्सिक था. डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए. गिल्ट मेस्मराइज, देखिए ये इतना ज़्यादा आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ, ये इतना ज़्यादा पिघल रहे हैं आपके प्यार में कि गिल्ट से भर चुके हैं. क्योंकि देखो वो आपको उस नज़र से अब फिर से देख रहे हैं जिस नज़र से वो पहली नज़र जो उनकी थी ना आपके लिए, जब पहली बार उन्होंने आपको देखा था, जब पहली बार आप मिले थे, दैट इज़ द काइंड ऑफ फीलिंग्स दे आर गेटिंग नाउ. जिसकी वजह से उनके अंदर वो गिल्ट फील हो रहा है, उनको आपका इनोसेंस दिख रहा है, उनको समझ आ रहा है कि मैंने सामने वाले के साथ कितना गलत किया या मैंने उसको कितना गलत समझा. डिवाइन फीमेल स्पाई, यस, ये आपको बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे हैं और इनकी नज़रों में आप, ये मतलब आपको बहुत ही अलग रूप में देख रहे हैं, परफेक्शन में देख रहे हैं. ठीक है, एंड या दिस पर्सन इज स्पाइंग ऑन यू. मेस्मराइज्ड लव्स, यस. अब जब ये आपको देख रहे हैं ना, तो इनको लग रहा है यार मैंने क्या खो दिया. बहुत सैड फील कर रहे हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, मतलब लिटरली इनको लग रहा है कि मैंने क्या ही खो दिया, पता नहीं मैंने क्या लॉस कर दिया अपनी लाइफ में. आपको खो के उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने पता नहीं क्या ही खो दिया. चलिए थोड़ा आपकी फीलिंग्स पे लाइट डालते हैं. आप क्या महसूस कर रहे हो इस पर्सन के लिए या इस रिश्ते के लिए, आप क्या महसूस कर रहे हो, व्हाट आर यू फीलिंग? आप चाहते हो कि देखो कहीं ना आप भी दोराहे पे हो, आप भी स्टक हो, आपको भी खुद को समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको भूल लूं, मैं इसको भूल जाऊं, या आपको ये भी नहीं पता चल रहा है कि क्या अभी भी हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं. मतलब आप अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर हो, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सामने वाला भी मुझसे प्यार करता है. क्या ये फीलिंग्स जो है ये म्यूचुअल है या क्या मैं ही पागलों जैसे प्यार कर रहा हूँ या कर रही हूँ? बट आप ट्राई बहुत करते हो टू फॉरगेट, बट हो नहीं पाता. ठीक है, देखिए जब से ब्रेकअप हुआ है बहुत ही ज़्यादा दुखी हो आप, बहुत ही ज़्यादा आपको ऐसा लग रहा है मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट खो दिया अपनी लाइफ में. ब्रेकअप के बाद से आप बहुत शैटर्ड फील करते हो, बहुत अधूरा महसूस करते हो, बहुत बुरा फील करते हो. व्हाट मोड वी हैव? मुझे ऐसा भी लगता है कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है इस रिश्ते का कुछ ऐसा पार्ट है जो आपको बहुत शेमफुल फील कराता है. आई डोंट नो व्हाट दिस इज. कुछ पुरानी बात है जो आपको लगता है यार ये नहीं होना चाहिए था मेरे साथ. यू नो यू फील काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटेड. आपको ऐसा लगता है ये मेरी इंसल्ट हो गई यार, ये मैंने क्या कर दिया, समथिंग लाइक दैट. व्हाट डू वी हैव? इन द सेंस, यस, मुझे ऐसा लगता है कि आप ना कहीं अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ओके, देखो बहुत रेयर होता है. अगर आपको लगता है ना कि मार्केट में जैसे धनिया मिलता है वैसा धनिया जैसा कॉमन नहीं है ट्विन फ्लेम कनेक्शन, बहुत रेयर होता है. और जो डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनाइन होते हैं ना, वो बहुत अलग होते हैं बाकी लोगों से. ठीक है, सो कहीं ना कहीं आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप कहीं ना कहीं आपके दिमाग में काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं. यू नो, अगर आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी पे हो तो यू आर ट्रांसेंडिंग, यू आर चेंजिंग, यू आर ट्रांसफॉर्मिंग. ठीक है, और
कहीं ना कहीं आप थोड़े मैच्योरिटी आपके अंदर बढ़ रही है, थोड़ी आपकी जो इनोसेंस है वो कम हो रही है विद टाइम. ठीक है, या मे भी लगता है इस रिश्ते ने मुझे बहुत सिखाया है, मुझे बहुत मैच्योरिटी वाइज मेरी लेवल बहुत बढ़ाई है. मिस्ट्री एंड फाइन. देखिए मुझे ऐसा भी लगता है कि आप ना इस पर्सन को स्पाई करते हो, लेकिन आपको कुछ ज्यादा पता नहीं चल रहा है अबाउट दिस पर्सन. आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन बहुत कुछ छुपा के रख रहा है. आपको लिटरली ऐसा लगता है कि देयर इज समथिंग दैट यू डोंट नो अबाउट दिस पर्सन राइट नाउ. ठीक है, यस. लेकिन आपको ऐसा लगता है हम दोनों का रिश्ता है ना कुछ खट्टा कुछ मीठा है, क्योंकि कभी कभी आपको लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, और कभी कभी आपको लगता है कि यार बहुत कॉम्प्लिकेटेड है. सो आपकी मिक्स्ड फीलिंग्स है. ओके ओके सो या अब हम देखते हैं आपके लिए एडवाइस क्या है. डिवाइन हमें प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए. एक ही चाहिए मुझे, ज्यादा कार्ड्स नहीं चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट वन कार्ड. डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए एडवाइस क्या है. यस, देखो जब किसी रिश्ते में जब कोई रिश्ता ट्रांसफॉर्म होने वाला होता है, उसमें कुछ बहुत बड़े चेंजेस आने वाले होते हैं, कुछ ऐसा होने वाला होता है जो हमें पता नहीं है कि आगे क्या हो. आपको ना लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि आगे कुछ तो होने वाला है, बट क्या होने वाला है समझ में नहीं आ रहा है. आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब आप बहुत डरे हुए हो इस वक्त. ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है पता नहीं आगे क्या होगा, क्या ये मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चला जाएगा, क्या ये किसी और को चूज कर लेगा. तो आपके मन में बहुत से डर है. तो आपको देखो वैसे भी लाइफ का हर दिन अनसर्टन ही होता है, हमें नहीं पता आज क्या होने वाला है. कल आप खुश हो आज आप दुखी हो सकते हो, कल आप दुखी हो आज आप खुश हो सकते हो, यू डोंट नो. तो लाइफ को इजीली लो. आप ये मत सोचो कि आगे क्या होगा आगे क्या होगा, इस टेंशन में आप आज का दिन खराब मत करो. लिव द मोमेंट. ठीक है, सो या दैट वॉज इट. कैसी लगी आपको ये प्यारी सी रीडिंग कमेंट्स में मुझे ज़रूर 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 से बताइएगा. रीडिंग अगर पसंद आई है लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है. अगर आपको कोई भी हीलिंग रिचुअल करानी है अपने रिश्ते के लिए, अपने करियर के लिए, अपने खुद के लिए, तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. अगर आपको एक्टिवेट करा के क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया. अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है उसका भी नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है. सारे पेड सर्विसेज हैं, फिक्स रेट्स होते हैं. प्लीज़ ध्यान रखना. ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना ख्याल रखिएगा. बाय.